हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ संगीता और मेरे चैनल का नाम है मनीषा फैमिली चैनल। और अभी मैं अपना छोटा वाला बेटा को तैयार कर रही हूँ ट्यूशन के लिए। अभी ये ट्यूशन जाएगा तो थोड़ा बाल बना दे रही हूँ। और इसका ट्यूशन जाने का मन बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो इसको मैं ट्यूशन में छोड़ के आती हूँ। और इस थोड़ा सा इसको मैं अभी दूध दे देती हूँ, दूध पी लेगा और ट्यूशन जाएगा। तो ये देख रहा है दूध को, ये बोल रहा है कि ज़्यादा है मम्मी, इसमें से कम कर दो। तो मैं इसको बोल रही हूँ ज़्यादा नहीं है, फिर कम कम कर देती हूँ, फिर ये पी लेता है। और मेरे बच्चों का जो नाम है, वो तीनों बच्चों का, वो मनीषा है, सचिन और आयुष है। तो इनको हम प्यार से बोलते हैं गुड्डी, गुड्डू और डुग्गू। तो मैं सोची चलो इनके नाम के बारे में आपको बता दूं। तो मेरा ये डुग्गू जो है, ये दूध फिनिश कर लेता है, उसके बाद मैं ट्यूशन में छोड़ के आ जाती हूँ। और ये ट्यूशन जाता बिल्कुल भी जाने नहीं खोजता है, रोते रहता है इसी वजह। और मैं आ रही थी तब ये रो रहा था, इसलिए मैं इसको ज़बरदस्ती बिठा के आ गई ट्यूशन में। और इधर ये शाम का टाइम है, तो शाम के खाने में मैं बना रही हूँ पनीर और शिमला मिर्च। तो इन सब को मैं धो के काट के रख ली हूँ। और मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद हम इसमें तेल लेंगे सरसों का, आप कोई सा भी तेल ले सकते हो। तो मैं ज़्यादातर सरसों का तेल में ही खाना बनाती हूँ। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, उसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे, हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसको हमने एक साइड से पलट दिया है और ये हमारा पनीर थोड़ा थोड़ा फ्राई हो चुका है। इसको हल्के हाथों से हम पलटेंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। और हमारा पनीर ये फ्राई हो चुका है, हम इसको निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में हम शिमला मिर्च को भी फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। और हमारा शिमला मिर्च फ्राई हो चुका है और ये शिमला मिर्च और ये पनीर की सब्ज़ी हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं। तो मैं बराबर हफ्ते में एक बार बनाती रहती हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत प्यार से खा लेते हैं, रोटी के साथ भी और चावल के साथ भी। तो हमारा शिमला मिर्च अभी फ्राई हो चुका है, हम इसको निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और हम तेल लेंगे, सरसों का तेल। और उसमें तेल अच्छा सा गर्म हो जाएगा, उसमें हम जीरा डालेंगे और हींग भी डालेंगे थोड़ा सा। हींग और जीरा हमारा तड़क जाए तब, और हम इसमें कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हम भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद हम इसमें जो 4-5 कटी हुई मिर्च रखे थे उसको भी डाल देंगे। अब मिर्च को छोटे छोटे भी काट के डाल सकते हैं। तो मेरे बच्चे जो है वो मिर्ची थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए हमने बड़े बड़े डाल दिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिए हैं हम सब्ज़ी में। इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। और इसमें हम प्याज भी डाल दिए हैं जो हम बड़े बड़े टुकड़ों में काटे थे। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारा टमाटर गल जाए। अब हम इन सब को मिला लेंगे और हमारा टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम बाकी के मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। और इन सबको हम मिला लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे।
और ये सारा मसाला हमारा मिल चुका है। इसमें कलर के लिए मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे आधा चम्मच। और हमारा मसाला ये भून चुका है। हम इसमें पनीर फ्राई करा हुआ और शिमला फ्राई करा हुआ इसमें वो भी डाल देंगे और इन सबको हम मिला लेंगे। और हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी डाल सकते हैं। और इसको ढक देंगे हम दो मिनट, लगभग दो मिनट पका लेंगे। और ये हमारा सब्जी बन चुका है। इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे और मिला देंगे और खाना मेरा बन चुका है। और इधर खाना बनाने के बाद थोड़े से बर्तन होते हैं तो मैं साथ के साथ बर्तन भी धो देती हूँ। और ज़्यादा बर्तन रखने से फिर ज़्यादा हो जाता है एक ही बार धोने में, तो मैं थोड़े थोड़े करके बर्तन धोते रहती हूँ। और हम इधर बर्तन धो लेंगे और यहाँ पे है, हमने ये छोटी सी टोकरी रखी है क्योंकि बड़ी टोकरी सुबह के टाइम ज़्यादा बर्तन होता है, तो सुबह के टाइम बड़ी टोकरी रख देती हूँ और दिन में ये छोटी सी टोकरी रख देती हूँ, कम बर्तन रहते हैं तब। और इधर हम बर्तन सारा बर्तन धो लेंगे और किचन को भी साफ़ कर लेंगे। और ये हमारा खाना, सब लोग खाना खा चुके हैं, अब मैं बची हूँ तो मैं भी खा रही हूँ। सुबह की ये सब्जी थी, आलू मटर की सब्जी और चावल बना था। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं और एक नई अच्छी वीडियो में। थैंक यू।